गाड़ी चढ़ गई, टूट गया भाई, टूट गया गिलास अभी पड़ा। हवा कम हो गया वापस से, बदली कर देता हूँ मैं। आर्मी वाले उत्तरकाशी के आगे छोड़ नहीं रहे। अरे बात ना अब राइड करने का नहीं है, अभी ना जिंदा अपने होटल पहुँच जाए बस। लेकिन हमारी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी, दिन की शुरुआत हुई थी कुछ ऐसे। तो भाई फाइनली हम लोग निकले चोपटा के अपने कैंप से। भाई क्या ही ब्यूटीफुल कैंप था। अभी अपने यहाँ प्लान है यहाँ से जाने का सीधा हर्षिल वैली में, और वो भी बहुत बढ़िया है और ब्यूटीफुल लोकेशन है, वहाँ पे भी जाके एंजॉय करेंगे। आज का अपना जो रास्ता है ये पूरा जंगलों से घाटियों में से जाते हुए जाने वाले हैं हम लोग, और बाजू में अपने को बढ़िया रिवर वाला व्यू मिलने वाला है। लेकिन हम लोग का अगर प्लान चेंज हो गया तो हम लोग हाईवे से भी जा सकते हैं, बट लेट्स सी, वो तो जब भी आएगा टर्न वहाँ पे डिसाइड करेंगे। ये रास्ते में अपने को लगने वाले हैं मस्त जंगल, वादियाँ, वाटरफॉल्स बहुत सारे, और भाई सुकून वाला रास्ता पूरे जगह पे टर्न्स, इसके लिए तो आए थे उत्तराखंड में भाई लोग। अगर ऐसे ही रोड्स एंड सीनरीज मिलते रहे ना तो मैं तो घर वापस नहीं जा रहा। आज मैं लीड बनाऊँ सिंस पूरा रोड जो है हम लोग का वो पूरा प्लान करके रखा है मैंने मेरे फ़ोन में, तो मैप्स हम ही चला रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट लोकेशन कौन सा, उसके बाद का कौन सा, वो सब मैंने फ़ोन में डाल के रखा हुआ है। तिलवारा में हमें थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा था तो हम लोगों ने फाइनल कर दिया कि यहाँ से वापस पहाड़ों में जंगल वाले रास्ते से ही जाएंगे। हाँ चलेगा, नीचे राइट से जाते हैं। सो गाइस हम लोग बस आपके लिए जंगल से जाने वाले हैं और बहुत मस्त रोड्स मिलने वाले हैं हम लोग को। दार, 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 दार। रुको रुको गाइस, रुको रुको रुको, स्लो डाउन स्लो डाउन, साइड में लगा दो, मास्क का बाइक का इशू आ रहा है। हुआ चलो, ये अपने मास बाइक का, बाइक का थोड़ा इशू हो रहा है, है ना, एयर पकड़ लीजिए शायद। बाइक का एयर पकड़ रहा है या फिर नीचे का कुछ पाइप दब गया है, दोनों में से कुछ है, चेक करना पड़ेगा। जो होल्ड वॉल्ड लेंगे ना वहाँ पे एक बार खोल के देखते हैं, हमारे साथ बहुत सारे मैकेनिक्स भी है, जुगाड़ कर लेंगे कुछ ना कुछ। ही अपना मैश कनेक्ट करेंगे ताकि हम वॉकी टॉकी पे बात कर सकें। ए जल्दी आ रे भाई, कुछ बड़ा इशू है लगता है, मैं भी पीछे जा रहा हूँ। लकी ने बोला था हिमालयन का टैंक ठीक से नहीं लगाया ना, वो थोड़ा इशू आता ही है ये वाला। कार्बोरेटर का दिक्कत कर चालू रख, वैसे ही रख आइडल पे रख, अपने आप जा रहा है ना, ये तेरा फ्यूल लाइन शायद से दब गया है। अपने अपने फैज भाई भाई टंकी खोल रहे आरी का, ये यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ये वायर है ना जो, ये निकालना पड़ेगा यहाँ पे पीछे से, यहाँ से। हाँ निकल गया। हाँ ये देख दब रहा है ना, ये नीचे से है ना, ये साइड से लेके यहाँ से ऐसे डाल दे उसमें दूसरे में। हम लोगों ने टैंक खोल के पेट्रोल पाइप को सही से लगाया जो सर्विस सेंटर वाले ने गलत लगाया था, बट ये करने में नया इशू आ गया। कुछ नहीं मिला ना, सेलो टेप भी चलेगा, ब्राउन प्रिफरेबल, वाइट रहेगा तो भी चलेगा, अगर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो। मीर भाई रोहन भाई जा रहे हैं मार्केट में टेप लेने के लिए, शायद से हमारे भी ठंडा अंडा भी लेके आ जाए। क्या ठीक है, दे दे दो उनकी मछली, पैसा बहुत है, लिफ्ट लगा दे। तो अभी भाई थक गए बाइक का करते, अभी जो टाकी के नीचे जो वायर होता है जिससे फेयर पंप ऑन होता है वो आई गेस अंदर से इंटरनली कट हो गया है, तो वो जहाँ पे भी थोड़ा वाइब्रेट वगैरह हुआ हिला तो बंद हो जाता है गाड़ी। तो अभी यहाँ पे जो बंदा मेहनत कर रहा था सबसे ज़्यादा फैज, गलत जगह पे लेटा है, वो साइड पे जा।
अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। रोहन भाई अपने जो है वो गए हैं सेलो टेप या फिर इंसुलेशन टेप ढूंढने, ताकि हम लोग थोड़ा उसको खोल के अंदर से देखें कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर कुछ रहेगा तो बांध के वापस से गाड़ी एटलीस्ट चालू हो जाए, आगे पहुंचेगा तो अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कि मुझे दिखा ये, तो यहाँ से आप देखोगे रिवर के पास जाने का रास्ता है। अभी रिवर के पास तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बस यहाँ से थोड़ा घूम के आते हैं, देखते हैं कि क्या है नीचे। क्या ब्यूटीफुल रास्ता है यार, ओहो हो हो, ज़बरदस्त रिवर का व्यू आ रहा है। वैसे ये स्लिपरी बहुत है, यहाँ पे जो घास या ऐसे जो भी है कांटे पड़े हुए हैं बहुत स्लिपरी है, लेकिन कोई नहीं, ये सब फैज भाई यहाँ पे बैठे। अभी रोहन भाई आने तक तो अपना कुछ काम तो कर सकते हैं नहीं बाइक का, तो तब तक थोड़ा सा नीचे ही घूम आते हैं। आया क्या? आगे लगता है, यस आ गया भाई। इसको सर्विस सेंटर में ही लेके जाना पड़ेगा, अभी देखते हैं ये सर्विस सेंटर में ही जाके ठीक होने वाला है। 8 किलोमीटर कितना दिखा रहा था ना, चलो जाते हैं उधर ही। मास चल रहा है ना गाड़ी, हाँ टेम्पररी ना, बस सर्विस सेंटर तक पहुंच जाए बस। टेंशन मत ले, कुछ हुआ तो टो कर लेंगे, सीधा रास्ता भी है ना स्ट्रेट। एक छोटा सा इशू कुछ समय बाद हमारी इतनी हालत ख़राब कर देगा, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। भाई लोग इधर ही रात के 12 बज गए, मुझे नहीं लगता हम लोग आज पहुंच पाएंगे। अब अगला शहर भी 3 घंटे दूर दिखा रहे हैं। ये तो हुई बात की बात, लेकिन पहले प्रॉब्लम्स फेस करना हमारा अभी बाकी था भाई। 8 किलोमीटर में अपने को सर्विस सेंटर लगना था, यहाँ पे ना टर्न आया ना कुछ, 20 किलोमीटर हो गए, अपने को सिर्फ 2 टपरी लगाए, किधर जाने गए। मास तू मैप डाला था ना, किधर है चेक कर एक बार। बोला क्या तुम लोग? बोले सीधे सीधे जाओ तो मैं सीधे जा। मैं बोले तू मैप लगाना चाहिए ना, तू जा रहा था, तेरे को ही पता था कहाँ जाने का है। अभी किधर है, किधर हो? क्या मालूम उसको, बोला हम लोग यहाँ खड़े पानी में। ओए चालू है क्या जरा? चालू है मेरा। अरे मैं तुम्हारे बोल रहा था कि मैप डाल दो मेरा आगे टेल। अरे तुमने मैप लगाया था, तुम निकल गए आगे, हम लोग को किधर मालूम किधर गए, मैंने देखा ही नहीं है किधर है। अरे मैं तुम लोग बोल रहा कि सीधा सी सी सीधा ही ना। कितना तूने लगाया क्या मैप? नहीं तो मां कहां जा रहा था तू? अरे मैं तुम लोग से पूछा तो कि सर तुम बोला। अरे हम लोग ने बोला तू मैप पे देख रहा है रॉयल एनफील्ड का, तो उधर जाते जुगाड़ करके दिया तेरे को। मैप पे तो मेरे आगे ये ना भाई, ठीक है काम है, मेरे तू लगाया ना मैप। हां है इधर ही है पीछे। रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर तिलवारा में था, जहां से हमने हाईवे छोड़ा था। उधर जाके हमें मालूम पड़ा कि यहां पे अपना काम तो नहीं होने वाला, उसके लिए श्रीनगर जाना था जो हमारे रोड से काफ़ी दूर था, जिसके लिए हमें 40 किलोमीटर और उल्टा जाना पड़ने वाला था। लेकिन अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन रुद्रप्रयाग में जब बास का बाइक पूरा ही बंद पड़ गया, तब हमें समझ आया कि यहाँ पहाड़ों में बाइक टो करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला था। इसके पहले मैं रन ऑफ कच्छ की राइड पर एक बाइक को 90 किलोमीटर ईजिली टो किया था, और वो प्लेन रोड पर था। यहाँ पहाड़ों में चढ़ान पर थोड़ा भी डिस्टेंस जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। इतना राइट से मत चला, श्रीनगर श्रीनगर। अभी ये टेम्पो में गाड़ी चढ़ा दी हम लोग ने भाई, नसीब से मिल गया 2500 में, और रुद्रप्रयाग से श्रीनगर क्या क्या करके चढ़ाया। मैं ब्लॉग तो नहीं बना पाया चढ़ाते वक्त का, क्योंकि चढ़ाने में हम भी थे। आ रहे तेरे पीछे ही आ रहे। चढ़ना ना ये बाइक पे झूले। हाँ
रुद्रप्रयाग बाईपास से हम लोग निकले श्रीनगर के लिए आराम आराम से, सिंस टेम्पो काफी स्लो जाने वाला था हमारे कंपैरिजन में। और हम लोग आए हैं अभी देखने रुद्रप्रयाग संगम। बेसिकली लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि हम लोग वहाँ से गए थे आगे, वो लाल जो ब्रिज है वहाँ पे, लेकिन बाइक का सीन हो गया था तो हम लोग को प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग वापस अभी ये रोड से आ रहे हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे आगे ना ट्रैफिक मिलेगा पूरा रुद्रप्रयाग से श्रीनगर, तो हम लोग बाईपास रोड लेके जा रहे हैं ऊपर से, और यहाँ पे अपने को ये वाला व्यू पॉइंट मिलता है। मेरा फोन गिर गया। फोन लगा मेरे को फोन लगा। उधर आएगा क्या देखते हैं। हेलो कट हुआ क्या? कैसे? हेलो रिंग हो रहा है। मेरे को सुनाई दे रहा बंद हो गया। रिंग हो रहा है मेरे को पीछे सुनाई दे रहा था, अभी बंद हो गया। इधर आया तो मेरे को पीछे कनेक्ट हो गया था शायद से। पीछे कनेक्ट हो रहा था। हेलो है क्या? हाँ फोन गिरा है क्या? हाँ 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 अरे थैंक यू भाई, बचा क्या कुछ? गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी भाई टूट गया, गिलास अभी उखड़ा है। ये उठा लिया वो, एकदम झटके से गिरा था, गाड़ी चढ़ गई वो, हमने एकदम उठा लिया। नीचे से आल तो आगे से आल तो चढ़ गई, गाड़ी चढ़ी है इसमें भैया, जो भी है एक ही झटके ने मुझे एकदम हेल्पलेस कर दिया था। मेरी पहाड़ों की लाइफलाइन मेरा फोन, उसका स्क्रीन पूरी तरह डैमेज हो चुका था। अब जो डेबिट कार्ड मेरे पास था उस अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं थे, और जीपे अब मैं यूज़ नहीं कर सकता था। अब मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने के लिए भी मेरा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता था, और जो भी मैंने प्लान बनाया था और गूगल मैप पे सेव किया था वो भी अब हमसे छीन चुका था। बाइक मास की ख़राब हुई थी, बट अब डाउट्स मेरे भी मन में आ रहे थे कि क्या मैं ये राइड कम्प्लीट कर पाऊँगा। ये राइड अब फिज़िकली ही नहीं मेंटली भी ट्रेनिंग हो गई थी। ऐसे ही रखेगा क्या? अच्छा वो देखा इस समय रिकॉर्डिंग चालू था वैसे। आज का ज्ञान यहाँ पे पीछे लिखा है, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ना बिठाए, अपना फर्ज निभाओ, जंगल को आग से बचाओ। लेकिन ऐसे अतरंगी दोस्त हो तो इतना डीमोटिवेट कैसे हो सकते हैं? अब ये सोच लिया था कि फ़ोन तो रहा नहीं, अब जो है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं उस पे ध्यान देते हैं और चलते रहते हैं। आर्मी वाले उत्तरकाशी के आगे छोड़ नहीं रहे। आग लग गई है जंगल में।